तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेटलोसिन कंपाउंड होते हैं इसमें बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर मेटलोसिन जो कंपाउंड है इसमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें सीएसआर नेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग। तो देखते हैं पहले भाई मेटलोसिन कंपाउंड क्या होते हैं। मेटलोसिन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल होगा सेंटर में, और मेटल को साइक्लिक प्लेनर जो लिगेंड होते हैं उतने उन्होंने घेर रखा होगा। तो ये देखो, अगर मैं इसको मेटल, देखो ये मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड हैं साइक्लिक प्लेनर, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल बीच में होगा और ऊपर नीचे से क्या होगा, ये साइक्लिक प्लेनर लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मेटलोसिन कंपाउंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि भाई इसमें बॉन्डिंग कैसे, इसको ही एक्सप्लेन करना है कि बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है मेटलोसिन कंपाउंड में। तो इसके लिए मैंने पहले से ही आपके लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि हम लोग इसी बेसिस पर बॉन्डिंग डिस्क्राइब करेंगे मेटलोसिन कंपाउंड में। ठीक है, तो देखो आपको पता है मेटलोसिन कंपाउंड में वही पहले लिगेंड होंगे, ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल से साइड में लिखे हैं। ठीक है, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये मेटल ऑर्बिटल्स हैं, मेटल ऑर्बिटल्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है क्या होंगे, यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे। जब दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे, ये और ये बॉन्डिंग करेंगे, तो क्या बनाते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना कितने लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं, 10। 10 कौन कौन से, एक ये हो गया A1G के अंदर, एक ए के अंदर, इसके अंदर भी एक हो गया, तो दो हो गए, इसके अंदर दो, इसके अंदर भी दो, इसके अंदर दो, इसके अंदर भी दो, ओवरऑल 10 हो गए। 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं, और 9 मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी याद होना चाहिए कैसे ऑर्डर में किसके साथ कौन सा ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, पर जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं इसमें, किस बेसिस पर पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमको उनसे उनसे ही मतलब है। जैसे मेरे पास CP है, CP कोई सा, इसमें मैंने डाल दिया Fe, CP2, तो दो साइक्लोपेंटाडाइनल है, और आयरन कितना है, आयरन, ये आयरन है, ये हमारे पास कोई सा कंपाउंड है। इसमें देखना है हमको भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, कितने किसके पास, CP जो लिगेंड है इनके पास कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, और आयरन के पास कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई CP पर होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो -1 चार्ज अगर होता है, तो जैसे CP का स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊँ, तो इस टाइप का होता है CP का स्ट्रक्चर, ये है साइक्लोपेंटाडाइनल। ठीक है, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, एक CP के पास 6 हैं, कितने 6, तो दो के पास कितने होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं CP हमारे पास जो लिगेंड है उनके पास। ठीक है, अब देखते हैं आयरन के पास कितने हैं। देखो आयरन की अगर बात करते हैं, तो आयरन होता है 20, कितना 6, 4s2 3d6, अगर इनका टोटल जोड़ दो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, टोटल वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर जबकि आपको पता है कि CP पर -1 होता है, तो अगर इसके आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 हो गया यहाँ पर, 2 CP प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो CP पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, पहले कितने थे, 8 थे वैलेंस में, दो ये वाले लॉस होंगे, तो कितना बचेगा, 3d6। तो हमारे पास आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और CP के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हमको फिल करने हैं। ठीक है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ही सबके सब ये क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास जो बॉन्डिंग है, नीचे वाले बॉन्डिंग है, बीच में नॉन बॉन्डिंग होंगे, स्टार वाले क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ज़्यादा कैरेक्टर होता है लिगेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएंगे नीचे बॉन्डिंग में। ठीक है, और जबकि पहले भरते हैं, ठीक है, तो लिगेंट पर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 CP हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है इसमें कितने आते हैं, एक ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2। ठीक है, तो ऐसे भरेंगे, 1 2 1 2, ठीक है, 12 हैं, 1 2 3, वो कितने हो गए हमारे पास, 8, अब कितने हो गए, 12। तो लिगेंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, वो सबके सब यहीं पर भर गए हैं, देखो आप इनमें ही भर गए हैं सबके सब। ठीक है, अब हमारे पास बचे मेटल के, जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे मेटल के वैलेंस में, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो एटोमिक ऑर्बिटल है E2G, E2G को मैंने उसके दोनों नाम लिखे हुए हैं, DX²-Y² और DXY लिखा है। ठीक है, और A1G को मार रखा मैंने DZ², ये ऑर्बिटल होता है, और E1G स्टार जो है ये एंटी बॉन्ड जो है इसमें DXY
और डीवाई जेड मार रखा है, तो हमको इनसे मतलब है, एक इससे मतलब है इस ऑर्बिटल से, एक इस ऑर्बिटल से और एक इस ऑर्बिटल से, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन इनमें ही भरे जाएंगे और इसी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा होमो होगा और कौन सा ल्यूमो होगा। ठीक है, तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भर दिए, हमारे पास टोटल है 18, तो कितने बचे 6, और 6 किसके बचे हो हमारे पास आयरन के, मेटल के, तो कैसे भरेंगे देखना, 1 2 3 4 5 6, वैसे जैसे मैं भर रहा हूँ मैंने ऐसे भरना था इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरेगा। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, क्योंकि जो A1G और E2G है इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे भरेंगे, तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरा, A1G में, तो इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है, आपको पता है फ्रंटियर जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल दो होते हैं, एक होता है होमो एक होता है ल्यूमो, ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि इसमें तो ये तो होमो हो गया, तो ये कौन सा हुआ सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो क्या, A1G स्टार। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग सबके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखो, सबसे पहले आयरन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयरन के भरे 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, मैंने बता दिया कैसे 18 हो गए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन देखेंगे तो क्या होगा, ये कन्फिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, E1G में कितने गए 4, E2U, एक मिनट, E1U में कितने गए 4, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ तो वो ये तो लिगेंट के हो गए। ठीक है, ये सबके सब जो होंगे इसके नीचे के सबके सब लिगेंट के भरे, तो हमको मेटल के देखने हैं। ठीक है, तो E2G में 4 और A1G में 2 भर गए, तो ये लिखा मैंने E2G4 और A1G2। ठीक है, तो इसमें जबकि देखो सबके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं इन ऑर्बिटलों में पेयर हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले मेटल के, हमको इनसे ही मतलब है टोटल, इनसे, इन ऑर्बिटल से ज़्यादा मतलब है, कुछ नहीं ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयरिंग है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के सभी, तो पेयर्ड है तो भाई इसमें अनपेयर तो होगा नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, और अनपेयर्ड 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका सिंपल बात है 0 आएगा। ठीक है, तो इसका होमो ल्यूमो की बात करें तो आपको पता है होमो कौन सा है, A1G, ल्यूमो कौन सा है, ये वाला, तो ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ऐसे सभी के बेसिस पर कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले CP2V की बात करें तो देख इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, बिल्कुल ध्यान से देना आप। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा, बहुत ही सिंपल है, हमको इनसे मतलब है। ठीक है, इन ऑर्बिटल से कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, मैंने ये बना लिए E2G वाले ऑर्बिटल है। ठीक है, और A1G वाला ऑर्बिटल ये है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरने हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, उसके बाद हमको किससे मतलब है, E1G से, E1G स्टार से मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास इतना है, इससे ही हमारा सब काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल, CP के पास, एक के पास कितने होते हैं 6, तो दो के पास कितने होंगे 12। ठीक है, तो वेनेडियम को जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, -2, CP पर एक पर -1 होता है तो दो पर -2, प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2, तो वेनेडियम पर कितना प्लस चार्ज है, 2+ चार्ज है। ठीक है, और वेनेडियम का होता कितना है आपको पता ही है, कितना होता है वेनेडियम का, 23 एटॉमिक नंबर, 4s2 3d5, तो 3d3 सॉरी, तो 2 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा, तो कितने बचेंगे, d3 बचेगा ओनली, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए 15। 15 में से कैसे भरना है आपको पता है, बाढ़ तो नीचे भर गए यहाँ पर, सबके सब नीचे भर जाएंगे आप, तो 3 बचे कैसे भरने हैं हमको, यहाँ पर मेटल के जो 3 बचे, 1 2 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, ऐसे ही अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका होमो कौन सा हुआ, ये वाला होमो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है हाइस्ट वाला है, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, इसमें ये ल्यूमो हुआ क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी का है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको बोलते हैं ल्यूमो। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसका कौन सा ल्यूमो, किसका कौन सा होमो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग CP2V क्रोमियम की बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 हो जाएंगे भाई, 16 आएंगे, तो एक यहाँ पर और भर जाएगा, यहाँ पर भरेगा तो कितना आ जाएगा, E2G में कितने हो गए 3, A1G में कितना, A1G में 1, तो यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, ऐसे होमो ल्यूमो, होमो ल्यूमो सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सेप्शन केस टाइप का है ये, इस केस में भी कितने होंगे 17 हो गए इलेक्ट्रॉन, 17 बार यहाँ पर, 5 इसके 17। ठीक है, 5 हमको सिर्फ ये वाले भरने हैं क्योंकि बार तो नीचे भर गए होंगे, तो कैसे भरना है इसको थोड़ा ध्यान देना, इसमें बिल्कुल हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन में मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1 2 3 4 5 टोटल भर जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, तो इस केस को थोड़ा सा याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5,
पांच हो गए, और होमो जो अभी तक ये था अब होमो ये वाला हो गया, ठीक है, होमो ये हो गया, तो लूमो कौन सा हुआ भाई, ये वाला ई टू यू, तो देख लो ई टू यू। तो ऐसे सबको सब याद रखना है कि कौन किसका कौन सा होमो किसका कौन सा लूमो, ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, मेटल कार्बन बॉन्ड इनमें से, इन कॉम्प्लेक्स में से मेटल और कार्बन का बॉन्ड किसका लॉन्ग होगा किसका शॉर्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ट्रिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जितना जिसका ज़्यादा जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका मेटल और कार्बन का सॉरी जिसका जितना सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लगा सकते हो, जिसका जितना जिस कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा अनपेयर होंगे उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है लॉन्ग, ठीक है, और जिसका जितना मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा उसका मेटल कार्बन बॉन्ड होता है सबसे शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिए। कभी कभी ये ऑर्डर पूछ देता है भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मेटल में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो ई वन जी सबसे नीचे है, ठीक है, उसके बाद ए वन जी, उसके बाद ई वन जी स्टार, ठीक है, उसके बाद भी पूछ रहा है अगर मैगनीज में पूछ दिया तो आपको याद रखो कौन सा है ई टू यू, ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करिए।